डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। यह अलग और लीक से बिल्कुल हटकर कार्यक्रम था। जिन लोगों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी वीर नारियों को महावीर विश्वविद्यालय ने न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर और जरूरी आयुर्वेद की औषधियां भी वितरित की। महावीर विश्वविद्यालय में पाइन डिवीजन के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर में करीब 200 वीर नारियों व उनके परिजनों ने शिरकत की। विश्वविद्यालय में मिला अपार स्नेह व देखभाल का जज्बा पाकर शहीदों के परिजन अभिभूत हो गए। तभी मेरठ की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जय ने कहा कि समाज को एक नई दिशा व उत्साह वर्जन के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और महावीर विश्वविद्यालय ने इस पुनीत कार्य को अपना दायित्व समझते हुए आगे हाथ बढ़ाया है। इस शिविर का विधिवत शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि पाइन डिवीजन के ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मनीष लूथरा ने किया। फर्स्ट बाइट और टीवी के कैमरे ने इन पलों को कुछ इस तरह से कैद किया, देखिए। इस मौके पर मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जय ने आयोजन के सराहना करते हुए मीडिया से यह कहा। मैडम, ये कहना चाहेंगे, देखिए वीर नारियों का सम्मान भी हुआ है और एक अच्छी पहल भी की गई है कि टाउन में जितने भी वीर नारियां हैं उनके परिवार के लोग हैं और उनके टाउन में जो है आयुर्वेद की दवाइयां फ्री दी जाएंगी, इलाज फ्री उनको दिया जाएगा। आपको लग रहा है इस तरह की पहल की जरूरत है, भाई लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए? बिल्कुल, ये मिलिट्री आर्मी की तरफ से एंड ऑल्सो महावीर कॉलेज की तरफ से एक कैंप लगाया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह के कैंप्स ये लोग लगातार करते आ रहे हैं, इस बार पहली बार शायद आर्मी के साथ कर रहे हैं एंड जिसमें स्पेसिफिक दे हैव टेकन एजेंडा उसमें एंड काफ़ी लोग इसमें सम्मानित भी हुए हैं एंड एट सेम टाइम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इनको दिया गया है। दे विल गिव फॉलो अप ऑल्सो, मेडिसिन भी दे रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आगे भी कंटिन्यू करेंगे, यही बताया गया है इनके द्वारा। तो दिस इज़ वेरी गुड, बिल्कुल ये करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सोसाइटी में हिडन रहते हैं, ये ज़्यादा मतलब पहचान में नहीं आते हैं। इनके लिए स्पेसिफिक कैंप लगाया गया, दिस इज़ अ वेरी वेरी नोबल थिंग टू डू आई फील। तो इसमें हमें आने में भी बहुत अच्छा लगा एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। दे विल कंटिन्यू दिस, दे आर प्लानिंग टू डू फर्दर सच कैंप्स ऑल्सो, आगे भी करेंगे। थैंक यू। मौके पर मौजूद प्रबंध निदेशक तेजस भारद्वाज ने यह जानकारी फर्स्ट बाइट डॉट टीवी को दी। मेरा नाम तेजस भारद्वाज है, मैं महावीर विश्वविद्यालय का प्रबंध निदेशक हूँ और आज महावीर विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने भारत सेना के साथ मिलकर एक नया परिकल्प, एक नई योजना स्टार्ट करी है। जिन भारत के सैनिकों ने, जिन भारत के वीरों ने इस देश के लिए समर्पण दिया, इस देश के लिए शहीद हुए, उन सभी के परिवारों को आज यहाँ पर मुफ्त में आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप और की सुविधा देने का कार्य यहाँ पर हुआ है और उनको सम्मानित करने का कार्य हुआ है। यहाँ पर लगभग 50 के आसपास वीर नारियाँ यहाँ पर आज यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच में और लगभग 200 के आसपास हमारे आर्मी की फैमिलीज हैं जो यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप के लिए यहाँ पर आई हैं।
तो उन सभी के लिए एक हमारा एक प्रयास ये रहा है कि हम उनके लिए कैसे हम कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएं, क्योंकि उनका इस देश के लिए बहुत बड़ा, उनकी फैमिलीज का जो है बहुत बड़ा, आर्मी की बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। तो उनके लिए मेरा एक हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से एक योजना है, उनको जीवन भर उनकी आयुर्वेदिक चिकित्सा उनको दी जाएगी, उनके स्वास्थ्य का चिंता करी जाएगी, उनकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, उनके लिए हम लाइफ टाइम उनके लिए हम आज से समर्पित रहेंगे। तो ये एक परिकल्प मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि मैं उनसे दिल से जुड़ना चाहता था। कुछ वीर नारियों से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद मैं बहुत भावुक हो गया था। तो उस कारण से मैंने ये परिकल्प, आज भारत सेना को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि महावीर विश्वविद्यालय काबिल बना कि इतने ऐसे कार्यक्रम में और ऐसे हम महान लोगों को हम सहयोग कर पा रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए हम वो दे पा रहे हैं, चिकित्सा दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से उनसे दिल से जुड़ने का एक प्रयास यहाँ पर आप देख रहे हैं। पाइन इंस्टीट्यूट है, आर्मी का एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, सब मेजर जनरल ब्रिगेडियर सारे तमाम यहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स हैं। तो उसके लिए ये जो कार्यक्रम है उसके लिए ये यहाँ पर हम उपस्थित हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।